सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके पसंदीदा कार्यक्रम समाधान में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां से हम सबको समाधान प्राप्त होता है। अब समस्याएं वास्तव में रहेंगे नहीं हमारे पास, क्योंकि समाधान कार्यक्रम हमारे लिए आ गया है। और इस समाधान कार्यक्रम में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जिंदगी ऐसी न जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि जिंदगी ऐसी जियो कि लोग फिर याद करें। वास्तव में यदि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, और हम उनका ही रोना रोते रहते हैं, तो एक प्रकार से ये फरियाद हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी में यदि खुशी है, खुशहाली है, साथ ही हम औरों के लिए जी रहे हैं, तो लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करते हैं। संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जो रोज़ आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन गिनती के लोग ही ऐसे हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं, अपने जेहन में बसा कर रखते हैं। क्यों ना हम भी एक ऐसा ही जीवन जिएं कि हमारे जाने के बाद भी संसार हमें याद करता रहे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम दुख भरा जीवन न जिएं, लेकिन खुशहाली भरा जीवन जिएं, मुस्कुराते हुए जीवन जिएं, और साथ ही औरों को भी मुस्कान बांटते रहें, औरों की भी समस्याओं को दूर करते रहें। और यही प्रयास लगातार समाधान कार्यक्रम कर रहा है, और इस प्रयास में लगातार हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स प्रातः जी। प्रयास तो सभी का ये रहता है कि जीवन खुशहाली भरा हो, मुस्कुराते हुए हम जिए, लेकिन आजकल की समस्याएं ऐसी हैं कि मुस्कान जैसी समस्याएं हमारी छीन लेती हैं, क्या करें। बिल्कुल, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और उसमें भी हम जो नोट कर रहे हैं कि मानसिक समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं जी, और इसका भी कारण दिखाई दे रहा है ज़्यादा सोचने की आदत। कहीं ना कहीं मनुष्य निगेटिव होता जाता है, उसके अंदर किसी में क्रोध बढ़ा हुआ है, तो किसी में इरिटेशन बढ़ा हुआ है, किसी की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, किसी के कटु वचनों का जो उसके अपने पास भी प्रकोप और दूसरों पर भी जो बहुत बुरा असर डालता है वो बढ़ा हुआ है। इस कारण से मानसिक समस्याओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, और मानसिक समस्याओं के कारण मनुष्य खुश नहीं रह रहा है। बहुतों को नींद कम होती जा रही है, और नींद कम होने से, टेंशन रहने से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने में आती हैं कि मनुष्य खुश रह ही नहीं सकता है। इसलिए खुशी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, चाहे किसी के पास धन है, पद पोजीशन है, या कुछ नहीं है, हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, और बहुत लोग तो जैसे खुश रहना सचमुच भूल ही गए। बहुत गंभीर बात हमारे पास आई है, अकेलेपन की समस्या। ये हमारे पास प्रश्न आया है कि इनकी उम्र 21 साल की है, और पढ़ाई में इनका फाइनल ईयर है, ज़्यादा लोड तो नहीं है, केवल प्रोजेक्ट वर्क ही इनका है, लेकिन फिर भी अब ये बहुत अकेलापन महसूस करने लगी हैं, और मन में कुछ ना कुछ व्यर्थ चलता ही रहता है, अपने अकेलेपन से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और माता जी, ठीक एक ऐसा ही मेल हमारे पास और आया था मुंबई से, और इनकी एक सहेली ने लिखा है कि मेरी सखी जो है, सहेली है, उसने अकेलेपन से परेशान होके कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। कैसे अकेलेपन को दूर किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। खुशी तो गुम हो ही गई है, लेकिन एक नई समस्या, मानसिक समस्या, अकेलापन बढ़ना। बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसे युवक बहुत आते हैं। कई तरह की मनुष्य के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं,
उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स भी एक प्रकोप के रूप में रहती है, कभी कभी मनुष्य उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, उसके भी वो अधीन हो जाता है, तो ऐसे में वो फ्रेंड चाहता है अपना। अब फ्रेंड कोई नहीं है तो वो अकेला रहता है। अब ये युवक ऐसे पढ़ने गए हैं, घर है वहाँ पर, अकेला रहते हैं। मेरे पास भी एक केस आया, बिल्कुल अकेली रहती है लड़की, और माँ भी चली गई है, उसको अपना काम है, बाप विदेश में रहता है, इस पर बहुत उम्मीदें हैं और ऐसी इसकी भी आयु है, तो एक मानसिक रूप से काम भी नहीं है, अब केवल इसको प्रोजेक्ट बनाना है, तो सारा दिन खाली भी रहती है। खाली रह के मनुष्य थोड़ी बहुत टीवी देखेगा, इधर उधर दोस्तों से ऐसी वैसी बातें करेगा, और वो सोचता है इसमें उसका समय पास हो जाए, लेकिन इसमें समय पास नहीं होता, बल्कि आंतरिक शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं, और वो सूखापन सा, एक रूखापन सा, और फिर ये लोनली फीलिंग, अकेलेपन की भावना बहुत आ जाती है जीवन में, और इससे कई लोग सचमुच सुसाइड करते हैं। जैसे आपने कहा, उसने कई बार अटेम्प्ट किया सुसाइड करने का, बहुत सारे सुसाइडल केस इस कारण से ही हो रहे हैं। कभी कभी इसके पीछे दूसरा रूप भी हो जाता है कि जीवन में सफलता नहीं मिली, परिवार वालों की ओर से भी टेढ़ी नजर मिल रही है, फ्रेंड सर्किल भी सारा ऐसे ही देखता है कि सब तो अच्छी अच्छी जगह सेट हो गए, मैं ही नहीं हुआ हूँ, तो एक निराशा और एक निगेटिविटी चारों ओर से जो मिल रही है, तो फिर बहुत उदासी और अकेलापन जीवन में रहने लगता है। आवश्यकता इस चीज की है, पहले तो कि जो मानसिक शक्तियाँ और बौद्धिक शक्तियाँ, इनको यूज किया जाए, सदुपयोग इसका हो। तो मैं इन्हें कहूँगा कि ये थोड़ा सा समय और किसी अच्छी स्टडी में दें, और केवल टीवी देखने से पास टाइम को पास करना इसको अपना लक्ष्य न बना लें। ज्ञान योग इन्होंने सीखा है, तो ईश्वरीय महावाक्यों की हमारे पास पुस्तकें हैं बहुत सुंदर, जिनको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, वो ले लें और रोज एक मुरली का अध्ययन करें और उस पर कुछ लिखेंगे, उस पर चिंतन होने लगेगा तो घंटा इसमें बीतेगा, और उसके जो सुंदर विचार होंगे वो लंबा समय पूरा दिन पर एक सुंदर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, मन में खुशी आएगी, आनंद आएगा। दूसरा, थोड़ा सा अपने को बिजी रखना भी आवश्यक है, स्थूल रूप में भी थोड़ा कार्य करना। अगर ये कहीं और जगह भोजन करती हैं तो अपना भोजन खुद बना लें, घर की सफाई आदि करें, हमारे जो आश्रम है उन पे जाके 2 घंटा सेवा करें, ताकि ये जो शक्तियां हैं ये चैनलाइज हो जाएं। इसलिए थोड़ा स्थूल कार्य करने से फिर से इच्छा जागृत हो जाती है, और जब ये आश्रम में जाएंगी तो वहाँ और लोग भी इन्हें बहुत मिलेंगे, इनके हमजिंस मिलेंगे, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगी, तो अकेलापन आधा तक तो वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए अकेला न रह के इन्हें आश्रम जाना चाहिए, और जिसे हम यज्ञ सेवा कहते हैं, जो निष्काम सेवा है, कम से कम 2 घंटे वहाँ अवश्य कर लेने चाहिए। इससे हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और मन को भी बहुत प्रसन्नता होगी। साथ में क्योंकि इन्होंने मेडिटेशन सीखा है तो ये ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट 4 बार सारे दिन में मेडिटेशन किया करें, इससे इनका मन आनंद से भरपूर रहेगा, और जब मन आनंदित रहता है तो ये अकेलापन स्वतः ही लोप हो जाता है। ये इसका बहुत अच्छा स्पिरिचुअल समाधान है, क्योंकि मेरे पास युवक बहुत आते हैं, विशेष रूप से शाम के टाइम उन्हें बहुत डिप्रेशन सा, अकेलापन सा फील होता है, तो मैं उसमें ही उन्हें बताता हूँ कि उसी टाइम तुम कुछ अच्छे सॉन्ग सुन लो, डिवोशनल सॉन्ग्स हैं और बहुत मन को आनंदित करने वाले, और फिर थोड़ा यज्ञ सेवा करो, तो बहुत लोग, बहुत लड़के लड़कियां बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपने बहुत सुंदर एक विधियां बताई हैं कि इनसे हम दूर हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बिल्कुल अकेले ही हैं, इनका कोई और आसपास साथी नहीं है, ऐसे में भी एक प्रकार से ये एक इनके लिए बोझ सा बन जाता है। चलो 2-4 लोग साथ होते हैं तो एक कंपनी मिल जाती है, और बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया कि पेरेंट्स विदेश में चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल हॉस्टल में रहते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो ऐसे में ये समस्याएँ दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये विधियाँ तो ये अपनाएं ही, लेकिन साथ में ये स्थिति आए ही ना, उसके लिए भी क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, वही है जैसा मैंने सूक्ष्म रूप से इसको ऑब्जर्व किया, तो ये इस युवा काल में असली जो इसका कारण मुझे समझ में आया, अकेलेपन का, युवा काल में जो उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स की वृद्धि हो रही है, जो सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ रही है, मूल रूप से वो इनको अकेलेपन की फीलिंग देती है। तो इसमें राजयोग सबसे बड़ा काम करता है, इसलिए मैंने
ब्रीफली ये एक बहुत अच्छी विधि बताई है कि ज़्यादा लंबा समय नहीं, 15-15 मिनट अच्छे गीत बजाओ और राजयोग मेडिटेशन करो दिन में 4 बार। कुछ ही दिन ये करना पड़ेगा, 7 दिन भी करेंगे तो काफ़ी होगा। 7 दिन में ही मन आनंद से भरपूर हो जाएगा और वो जो सेक्सुअल फीलिंग्स अंदर हैं वो समाप्त हो जाएंगी और फिर पढ़ाई में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा और फिर दोस्तों के साथ बातचीत करने में मन लगेगा। नहीं तो ये ऐसी फीलिंग होती है कि कोई भी अच्छा नहीं लगता, फिर मनुष्य दूसरी तरफ ये भी चाहता है मैं अकेला रहूं, कोई मेरे से बात नहीं करे। ये लोनली फीलिंग का एक और स्वरूप होता है। ये भी एक स्थिति आपने बहुत अच्छी कही ब्रता जी कि ये स्थिति आ जाती है कि लोग अपने अकेलेपन को भी एंजॉय करने लगते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना म्यूजिक सुनना है ना लोगों से मिलना है, अकेले बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि शायद यही उनकी अच्छी स्थिति है, लेकिन शायद ये स्थिति खतरनाक है। इसलिए 4 बार अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो मन आनंद से भरपूर हो जाएगा, तब वो सबके साथ रहते भी एकांत जैसी फीलिंग करेंगे और अकेले रहते हुए भी उन्हें ऐसा लगेगा सब उनके साथ हैं, तो ये लोनली फीलिंग समाप्त हो जाएगी। प्रताप जी, आपने राजयोग की चर्चा की और कहा कि 4 बार राजयोग का अभ्यास करें। कई हमारे दर्शक पूछते हैं जो कि विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं कि आप बार बार राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें कहते हैं, तो वास्तव में राजयोग है क्या, ये वो जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ है, पहले इसमें राजयोग के अभ्यास में हमें आत्मा की अवेयरनेस में आना होता है, यानी मैं क्या हूँ। जिस शब्द को हम बार बार बोलते हैं, दिन में 10-20 बार बोलते हैं मैं, वो मैं ये देह नहीं हूँ। नॉर्मली मनुष्य है, देह दिखाई देता है, यही जीवन है, पर इसको चलाने वाली मैं चेतन आत्मा हूँ जो यहाँ रहती है अंदर बहुत सूक्ष्म। तो ऐसा फील करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, अलग हो गए दोनों, मैं और मेरा, तो बिल्कुल इसे डिटैचमेंट होने लगेगा। और जब हम इस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरा देह वस्त्र है, मैं इसकी मालिक हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, तो आत्मा की ये क्वालिटी इमर्ज होने लगती हैं जो इस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण दब गई हैं। इससे मन खुश रहने लगता है, फिर परमात्मा से अपना मन और बुद्धि का नाता जोड़ना, इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना, दोनों का मिलन कराना। अब ये मिलन स्थूल तो है नहीं, जैसे स्थूल में नाते जुड़ते हैं वो दैहिक नाते होते हैं, ये आत्मा और परमात्मा का नाता है। तो आत्मा भी सूक्ष्म निराकार और परमात्मा भी अति सूक्ष्म निराकार है, इनका दोनों का नाता कॉन्शियस लेवल पर मन और बुद्धि के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। तो उसकी पूरी शिक्षा दी जाती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, 3 दिन का एक कोर्स है, माना 3 घंटे का एक कोर्स है, और क्योंकि वो हमारी अपनी चीज़ है इसलिए उसे पिकअप करना कोई कठिन काम नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसोफी नहीं है, सिंपल, मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, अपने स्वरूप को देखना, उसमें स्थित होना, अपने को देह से डिटैच अनुभव करना, अपने गुणों का चिंतन करना, इससे अपनी शक्तियाँ बढ़ती हैं, अपने अंदर नैतिक क्वालिटीज आती हैं, मन पीसफुल होता है, आनंदित होता है। और जब परमात्मा से योग लगता है तो उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति हमारे अंदर आती है, तो इससे मन बहुत खुश होने लगता है। इसी राजयोग की हम चर्चा करते हैं, कोई इसमें पहले दिन सफल हो जाता है तो किसी को थोड़ा समय लग जाता है, किसी ने अपने मन को ज़्यादा भटकाया हुआ है तो एकाग्र होने में कुछ समय लगता है, किसी का मन ऐसा होता है कि ज़्यादा भटका हुआ नहीं होता, तो जैसे उसे बताया जाता है सहज ही उनका राजयोग में एकाग्रता हो जाती है और वो इसको एंजॉय करने लगते हैं। बस सिंपल सी विधि है, केवल प्रैक्टिस करने की जी बात। तो प्रारंभ में ये सीखने के लिए सेवा केंद्र पर जाने की आवश्यकता होगी, बाद में ये इसे अपने स्थान पे रहते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले हम यही सजेस्ट उन्हें करेंगे कि पहले सेवा केंद्र में अवश्य जाएं, 3 दिन तो अवश्य जाएं, 7 दिन जाएं तो बहुत अच्छा, और एक अच्छी ट्रेनिंग ले लें इसकी। योग नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, बुद्धि भटकती है, इसकी भी थोड़े लेसन ले लेंगे, कैसे उसको रोका जाए, और फिर घर में रहते कामकाज करते, जैसे मैंने युवकों के लिए कहा जो हॉस्टल में हैं या थोड़े खाली हो गए हैं, वो 15-15 मिनट 4 बार कर लें। माताएं हैं, गृहिणी हैं, भोजन बनाते हुए, घर की सफाई करते हुए, कपड़े धोते हुए, घर के जो और काम हैं उनमें इसका अभ्यास कर सकते हैं।
चार बार नहीं, दो बार 15-15 मिनट बैठकर कर सकते हैं। जो पुरुष लोग हैं ऑफिसों में अपनी दुकानों पे कार्यरत हैं वो सवेरे और शाम कर लें और फिर अपने ऑफिस में अपने कार्य में कुछ थोड़े थोड़े एक एक मिनट के अभ्यास कर लेंगे तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मन बहुत पीसफुल रहेगा और जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो टेंशन हैं, जो ऐसी बातें हैं, उनको हम लाइटली लेकर समाप्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो राजयोग के बहुत सुंदर फायदे हैं। हमने केवल चर्चा अकेलेपन की थी, लेकिन वास्तव में न केवल अकेलापन दूर होगा लेकिन मन भी शांत रहेगा, खुशहाल रहेगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो हमारा गुड फ्रेंड है, उसकी कंपनी की फीलिंग होने लगती है, वो हमें साथ दे रहा है इसकी फीलिंग होने लगती है, हम अपनी हर बात उससे शेयर कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसके सामने कोई प्रॉब्लम रख सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं कभी भारी हो गया हो, तो एक बहुत अच्छी कंपनी हमें मिल जाती है, तो और किसी साथी की जरूरत भी नहीं रहती, और भगवान का साथ मिल जाए तो कहने ही क्या। और खुदा दोस्त की बात तो वैसे भी हम सुनते आ रहे हैं, और वास्तव में परमात्मा से दोस्ती हो जाए, यदि उनकी छत्र छाया हमें प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। और वास्तव में तब तो समस्याओं का नाम ही नहीं रहेगा, अकेलेपन की तो बात ही नहीं है, लेकिन संसार की जो भी समस्याएं हैं मुझे लगता है तब तो कहीं भी खड़ी नहीं रहेंगी यदि भगवान ही दोस्त बन जाए। प्रताप जी, आपने राजयोग की चर्चा के साथ साथ एक दूसरी बात कही थी जिसके साथ एक मेल आया हुआ है। आपने कहा कि कई बार योग का अभ्यास तो करते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं हो जाता, किसी का एक ही दिन में स्थिर हो जाता है और किसी को कई समय लग जाते हैं। प्रशांति जी लिख रही हैं कि 2 वर्ष हो गए हैं मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लेकिन अब भी योग में एकाग्रता नहीं होती है, योग का सुख और रस मुझे प्राप्त नहीं होता है, मन में कई बुरे विचार आते रहते हैं और इस कारण मुझे कई बार रोना भी आ जाता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे काम धंधों की, हर जगह मनुष्य को एकाग्रता तो चाहिए, चाहे कोई टीवी देख रहा हो एकाग्रता तो चाहिए, वहाँ एकाग्रता हो जाती है लेकिन वहाँ जल्दी हो जाती है क्योंकि उसमें लोगों को रुचि रहती है और कुछ सोचने की और बात नहीं रहती जी, जी। तो एकाग्रता का तो परम महत्व है ही, एग्जाम दे रहे हो बहुत एकाग्रता होगी तो सफल होंगे। तो प्रशांति जी की जो बात है, मैं ऐसे योग अभ्यास करने वालों को जिनका मन भटकता है और जो अपने को योग में सफल महसूस नहीं करते, पहली एक चीज़ कहूँगा कि वो मन कहाँ भटक रहा है उसको जरा सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करें, चेक करें अपने को, मेरा मन निगेटिव बातों में भटक रहा है या मेरा मन बहुत सारे क्वेश्चंस में भटक रहा है, ये क्यों हो रहा। कई लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, भगवान ने सृष्टि क्यों रची, कितना दुख हो गया, क्या भगवान को आनंद आ रहा है दुख देखते हुए, ऐसे क्यों। ये जो क्वेश्चन है टेढ़ा, क्यों क्वेश्चन मार्क, ये मनुष्य के मन को बहुत विचलित करता है। तो इन्हें देखना है कि कोई मनोविकार अंदर है जिसके कारण इनका मन भटकता है, किसी देहधारी से इनका बहुत प्यार है जिसके पीछे इनका मन बहुत भटकता है, किसी के शब्दों का इन पर बुरा प्रभाव आता है, कोई बार बार इनको बोलता है परिवार में उसके कारण इनका मन भटक रहा है, या अपनी इच्छाएं और वासनाएं इनके मन को भटका रही हैं। तो ये बहुत शांति में बैठकर अपने को चेक करें, बिल्कुल अपने मन पे ध्यान दें, मैं क्या सोच रही हूँ और जो कुछ सोच रही हूँ उसका बीज कहाँ है, उसका कारण क्या है, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये मुझे सोचना चाहिए, जो मैं सोच रही हूँ क्या इसके बिना अच्छा नहीं हो सकता है, क्या इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो अनेक अच्छे उत्तर इसके पास आएंगे। मतलब खुद की गहरी चेकिंग करें, गहरी चेकिंग करें, फिर ज्ञान इनके पास है, रोज ये ईश्वरीय महावाक्य सुनती हैं, एक एक बात को हटाती चलें, अगर निगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदलती चलें, दूसरे के बुरे शब्दों का प्रभाव इन पर आता है तो अपने को स्वमान में स्थित करें, शिव बाबा के अच्छे शब्दों को याद करें, उनके बुरे शब्दों को लाइटली लें, इनकी तो बोलने की आदत है, जब वो बोलना नहीं छोड़ते, बुरा बोलना नहीं छोड़ते, तो मैं अपनी मन की अच्छी स्थिति को क्यों छोड़ूं, ऐसे अच्छा चिंतन करें। अगर इनको बहुत क्रोध आता है, अगर इनके अंदर कोई और वासनाएं हैं जिसके कारण इनको व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ये आत्म
आध्यात्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करें। ये देह तो विनाशी है, इन देहों को क्या देखना, किसी का देह सुंदर है, किसी का कम सुंदर है, काला है, गोरा है। एक काला मनुष्य भी बहुत बुद्धिमान और बड़ी सुंदर पर्सनैलिटी वाला हो सकता है, एक बाहर से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति बहुत भद्दा हो सकता है जिसके साथ कोई न रहना चाहे। सब आत्माएँ हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। इस तरह अपने मन को एक गुड ट्रेनिंग इन्हें स्वयं को देनी है, इससे बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं कुछ अच्छी विधियां इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़े से अभ्यास ये कर लें तो इनके मन में जो बहुत कुछ चल रहा है, एक तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन इनको करना है और ज्ञान के बल से अपने विचारों को थोड़ा चेंज करना, ये तो एक बहुत अच्छी विधि होती है। इससे हमारे विचारों की स्पीड कम हो जाती है और बहुत सारे व्यर्थ विचार जो हम पर चिंतन के कारण, पर दर्शन के कारण, ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण चलाते हैं, उससे हम बच जाते हैं। बहुत सारे मनुष्य तो अनुमान लगा लगा के दुखी रहते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देखिए मैं चार बातें कहूँगा इनको और बहुत बहुत ही सिंसियरली इनको उनका अभ्यास एक 2-3 मास कर लेना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक है स्वयं को देह से न्यारा फील करना। दूसरी चीज, दिन में 2-4 बार ऐसा ही अभ्यास कर लेंगे, सब आत्माएं हैं, चमकती हुई मणियां हैं, सब अपना अपना शरीर लेकर भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। ये संसार तो एक सुंदर खेल चल रहा है, ये तो खेल है, इसमें उतार चढ़ाव, हार जीत, सुख दुख, मान अपमान ये सब होते ही हैं। 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास इनको करना है स्वमान का। स्वमान की बहुत अच्छी लिस्ट इनके पास होगी और अगर ये उसको वैसे याद न कर सकें तो सवेरे शाम एक एक स्वमान लेके 108 बार लिखें। एक ही स्वमान लिखें कुछ दिन, उससे ब्रेन को उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी जाती है और ब्रेन में निगेटिव थिंकिंग से जो डैमेज हो गए हैं वो उसको भर देती है। और चौथी चीज का ये अभ्यास करें, कुछ अच्छा चिंतन रोज लिखा करें जी। ये एक 15 मिनट उसके लिए फिक्स कर दें। कोई भी एक छोटा सा टॉपिक लिया, मुड़ लिए पढ़ी, अव्यक्त महावाक्य पढ़े, उसके आधार से इनका चिंतन शुरू होगा और एक 5-7 लाइन ही रोज लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे इनकी एकाग्रता बहुत बढ़ेगी और इनको जीवन में योग का सुख मिलेगा और जिस मार्ग पे इन्होंने कदम रखा है, जिस लिए इन्होंने त्याग किया है, जो इनकी बहुत अच्छी महान कामनाएं हैं कि मुझे ऐसे ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंस हो, प्रभु मिलन का सुख मिले, वो पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब प्रारंभ में थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और यदि इन अभ्यासों को ये कर लेती हैं तो योग और एकाग्रता सहज हो जाएगी। मैं सभी को कहूंगा जो भी हमारे दर्शक, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि भ्राता जी प्रश्न तो वास्तव में किसी एक ने किया है लेकिन लगता है कि योग के मार्ग में चलते चलते कई बार ये स्थिति आ जाती है कि एकाग्रता भंग हो रही है। इसलिए अगर 6 मास केवल जीवन में एक बार 6 मास इस तरह की मेहनत अपने से कर ली जाए, इससे एकाग्रता बढ़ेगी और फिर ऐसा अभ्यास किया जाए कि जैसे परमात्मा के स्वरूप को हम देख ही रहे हैं, महाज्योति, आत्मा के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस की जाए। 5 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट तक। जब 1 मिनट तक हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, परफेक्ट, तो हम बहुत सफल होंगे। तो 6 मास अगर ऐसी धुन लगा दी जाए, अपने को व्यर्थ से मुक्त रखें, कामकाज सब करना ही है, कामकाज बल्कि इजी हो जाता है जब मनुष्य की एकाग्रता होती है, तो पूरा जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा। बिल्कुल प्रताप जी, आपने विजुअलाइजेशन की जो बात कही है, कईयों के ये प्रश्न आते हैं कि हम सोचते तो हैं लेकिन ये विजन हमें क्लियर नहीं होता, तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे कि विजन क्लियर हो, कि जब मैं अपने आप को आत्मा देखूं तो मैं स्पष्ट रूप से अपने आप को देख सकूं, या फिर जब मैं परमात्मा को देखना चाहूं उनका विजन मेरे माइंड में बिल्कुल ही क्लियर बन सके, तो क्या विजन को भी क्लियर बनाने का कोई तरीका सहज हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि में, ये विजन होते हैं बुद्धि में, अब बुद्धि में माल इतना भर लिया है, निगेटिव विजन्स इतने बना लिए हैं, तो बुद्धि को एक आदत जैसी पड़ गई है निगेटिव विजन बनाने की। अब ये है प्योर एंड ओशन ऑफ प्योरिटी,
आत्मा बिल्कुल प्योर और भगवान तो सागर है पवित्रता का। अब उसको विजुअलाइज करने के लिए बुद्धि का बहुत पवित्र होना आवश्यक होता है। इसलिए बुद्धि को साफ करना, उसमें जो गंदगी भर ली है उसको निकाल फेंकना, यानी बस उसकी सफाई करनी, जैसे संकल्पों से कि नहीं ये नहीं, अब ये विचार अब नहीं लाने हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा थिंकिंग अब नहीं हो सकता। तो पहले तो बुद्धि को करेंगे क्लीन, फिर भले स्थूल रूप से ऐसा अपना लें, कागज पे चित्र बनाएं मैं आत्मा कैसी हूँ, चित्र बने हुए भी हैं उनको देखें मैं आत्मा ऐसी हूँ, और फिर यहाँ विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करें। लेकिन इसमें मुख्य काम प्रैक्टिस का होता है। एक 3 दिन की प्रैक्टिस प्रारंभ करें कि मुझे सारे दिन में 50 बार विजुअलाइज कर लेना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड से शुरू करेंगे तो क्लियर होने लगेगा, और फिर ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करने का, चित्र बनाएं या चित्रों को देखें, बिल्कुल बिंदु है जिससे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, फिर वो कभी परम धाम में है तो कभी मेरे सिर के ऊपर है तो कभी आंखों के सामने है, कभी ब्रह्मा के तन में है सूक्ष्म लोक में, इस तरह से भिन्न भिन्न तरह से विजन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, लगे रहेंगे इसके पीछे, तो और विजन हटती जाएंगी और ये जो स्पिरिचुअल विजन है ये पक्की होती जाएंगी, और जब ये विजन बहुत अच्छी होती है फिर और किसी विजन को बनाना तो खेल हो जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण हमें राजयोग के विषय में मिला है, और सचमुच इसे करने से विजन भी क्लियर होंगे और योग का भी अच्छा आनंद लेना हमारे सभी भाई बहनें प्रारंभ करेंगे, ऐसी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते भी हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, तो वास्तव में अभ्यास करते करते राजयोग भी आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। कई बार जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में तो वो चीज़ कठिन प्रतीत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वो चीज़ हमारे लिए खेल और सहज होती चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया था तो हम कई बार गिरे थे, लेकिन एक बार जब हमें अभ्यास हो गया तो बहुत ही सहज हो गया हमारे लिए। ठीक राजयोग वैसा ही है। और शुरुआत जैसे पहले प्रश्न से हमने किया था, अकेलापन, अकेलापन दूर करने के लिए भी राजयोग सचमुच बहुत ज़्यादा मददगार है, क्योंकि जब परमात्मा ही साथी बन जाते हैं, परमात्मा ही हमारे सहयोगी बन जाते हैं, वही माता पिता के रूप में हमारे संरक्षक बन जाते हैं, तो फिर अकेलेपन का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए राजयोग के मार्ग पर आएँ और अपने जीवन को खुशहाली से भरपूर करें। नमस्कार।